सपा नेता पर फिर से लगा दुष्कर्म का आरोप। पहले से ही सपा नेता जेल में बंद, युवती ने लगाए हैं गंभीर आरोप। जो आरोप युवती ने सपा नेता पर लगाए हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कैसे उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपने उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवती ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव और दो अन्य पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है पता है? सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि सपा नेता जो कि आरोपी है वो पहले से ही जेल में बंद है भाई, और उनके खिलाफ एक दो नहीं कई मामले दर्ज है जिनमें जमीनों पर अवैध कब्जे और भू माफिया के मामले शामिल है। देखिए, एक युवती गुरुवार शाम अपने परिजनों के साथ शहर कोतवाली पहुंचती है और उसने आरोपियों के खिलाफ जो है तहरीर पेश की। युवती ने तहरीर में बताया है कि 4 जनवरी 2015 को सुबह 8 बजे वो सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव के जीटी रोड स्थित फार्म हाउस पर काम मांगने के लिए गई हुई थी। तभी जोगेंद्र ने ऊपर कमरे में जाने के लिए उस युवती से कहा और उसके बाद उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि मेरे ही दुपट्टे से मेरे हाथ पैर बांध दिए गए और सपा नेता ने मेरे दुपट्टे से मुझे बांधा और उसके बाद कमरे में बंद करके चले गए। कुछ समय बाद पूर्व विधायक आए और उन्होंने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। युवती किसी तरीके से कमरे से निकलकर भागी तो नीचे पूर्व विधायक के बेटे सुबोध यादव और प्रमोद यादव नीचे मिले। उन्हें घटना के बारे में बताया युवती ने तो वे आग बबूला हो गए। दोनों ने मिलकर फिर से उस युवती के साथ दुष्कर्म किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। युवती ने कहा कि अब मैं मोदी और योगी की सरकार होने के कारण साहस जुटा पाई हूं, इसलिए FIR दर्ज करवा रही हूं। देखिए, रामेश्वर यादव एटा के अलीगंज सीट से सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वही जोगेंद्र सिंह यादव एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पत्नी रेखा यादव वर्तमान में अभी के समय में जिला पंचायत अध्यक्ष है। पीड़िता अलीगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। आप सोचिए, 2015 में युवती के साथ दुष्कर्म किया सपा के इन दरिंदों ने, लेकिन युवती जो है हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने साफ कहा है अपने बयान में, मोदी योगी की सरकार होने के कारण ही साहस जुटा पाई। और सोचिए सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है? सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि सपा नेता पहले से ही अलीगढ़ जेल में है भाई। दोनों भाइयों के खिलाफ 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये दुष्कर्म का पहला आरोप नहीं है इन पर। इससे पहले इन 2 सालों में दुष्कर्म के कई मामले इन पर दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले भी इन दरिंदों पर दर्ज किए गए। प्रशासन एटा, आगरा, मथुरा, फरुखाबाद, लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में अब तक करोड़ों की अचल संपत्ति जब्त कर चुका है ये सपा नेता। दोनों ही आरोपी यानी सपा नेता और उसका भाई राज्य स्तर से भू माफिया घोषित हो चुका है। कुछ मामलों में अदालत से तो दोनों को राहत मिल गई थी, मगर युवती के सामने आने के बाद से दोनों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ताजा मुकदमे में एक ही परिवार के 4 आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने साल 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद जमीनों पर अवैध कब्जे वाले कई घटना सामने आए और FIR दर्ज कराई गई। और तो और, आरोपियों के पैतृक गांव अमृतपुर रघुपुर में कुर्की तक हो चुकी है। अब आप सोचिए अखिलेश यादव की मुश्किलें कहां कम हो रही है। रोज हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो अखिलेश यादव की पार्टी पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। अब सोचिए, पहले मोहित खान, नवाब सिंह यादव, जावेद बेग, ऐसे तमाम हजारों नेता हैं सपा के नेता, हजारों नेता। और आज सुबह में एक खबर पढ़ रही थी और खबर वो आपको हम पहुंचाएंगे भी, आप देखेंगे भी वो खबर हमारे पेज पर। सपा के कितने नेता हैं, कितने विधायक हैं जिन पर इस तरह की मुकदमा, इस तरीके के मुकदमा दर्ज है, चाहे वो चोरी का मुकदमा हो, चाहे वो दुष्कर्म का मुकदमा हो, चाहे वो जमीन जब्त करने का मुकदमा हो। तमाम मुकदमे जो है वो सपा पर हैं, पहले से ही आरोपित है। सपा के कई नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और सोचिए, उसके बाद भी अखिलेश यादव से जब इनको लेकर सवाल पूछा जाएगा तो अखिलेश यादव शांत बैठ जाते हैं। अखिलेश यादव से, याद होगा आपको, जब नवाब सिंह यादव का जुड़ा एक सवाल उनसे जब पूछा गया था अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव भाई दरवाजा फान के भाग रहे थे। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। और सोचिए, अखिलेश यादव से उनकी पार्टी को लेकर अगर कोई सवाल पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है कि उनकी पार्टी के अंदर ऐसे क्यों नेता हैं, ऐसे नेता को बढ़ावा कहां से मिल रहा है, कौन उन्हें बढ़ावा दे रहा है, क्या अखिलेश यादव उनको कुछ नहीं कहते हैं क्या? हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है और मैं तो मतलब परेशान हो गई हूँ भाई, परेशान है, हर कोई परेशान है। हर दिन मुझे ये खबर आपको बतानी पड़ती है कि आज सपा के नेता ने ये किया, आज सपा के नेता ने वो किया, आज सपा के नेता ने दुष्कर्म किया, आज सपा के नेता के घर से लड़की का शव मिला, XYZ।
हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है, हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो सपा पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। अखिलेश यादव जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, और हर वक्त कोई ना कोई खबर आप देखते होंगे जिस पर वो हमेशा योगी सरकार पर सवाल उठाते हैं, योगी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, योगी के एक्शन पर सवाल उठाते हैं, योगी के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बार भी उनकी तरफ से एक बयान भी आपने नहीं सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हाँ हमारे अंदर जो हमारे पार्टी के अंदर जो नेता है उन्होंने दुष्कर्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जब अगर नवाब सिंह यादव दुष्कर्म करता है, अगर मोहित खान दुष्कर्म करता है, तो उनको लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन एक बार भी उनके मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकलता है कि उस पर, इन शख्स पर, इन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन नेताओं को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अरे भाई, राजनीति में इतनी ज्यादा हावियत कहां से आती, इतनी हावी, इतनी ज्यादा राजनीति कैसे हो जाती है पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, ये बड़ा सवाल है भाई। आपके नेता इतने दुष्कर्म कर रहे हैं, आपके नेता का हर दिन कोई ना कोई कांड खुलकर सामने आ रहा है, उसके बाद भी अखिलेश यादव का अगर आप ट्विटर खोलेंगे ना भाई, अभी हम थोड़ी देर पहले ट्विटर उनका खोलकर देख रहे थे, ट्विटर अगर आप उनका खोलेंगे ना, तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ये किया, योगी आदित्यनाथ के एक्शन से किस तरीके से लोग परेशान हैं, एक्स वाई जेड। एक बार भी उनके पोस्ट में आपको ये नहीं दिखेगा कि मोहित खान ने ये किया, आज सपा के नेता पे दुष्कर्म का आरोप लगा है, एक बार भी नहीं। युवती को इंसाफ चाहिए भाई, युवती तो साफ साफ कह रही है कि योगी सरकार और मोदी सरकार जब से आए हैं तब मुझे हिम्मत, इतने सालों में हिम्मत जुटा पाई मैं। तब देखिए ना, 2015 का ये मामला था, 2015 में उस युवती के साथ दुष्कर्म किया था सपा के नेताओं ने, और देखिए आज जाकर, कल जाकर वो पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। तो सोचिए डर प्रकोप कैसा है समाजवादी पार्टी का। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई खबर सामने आ रही है, उससे ये बात तो साफ है कि इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, भारी नुकसान होने वाला है। 5 सीट पिछले उपचुनाव में लेकर आए थे भाई, इस बार हमको देखकर जो सिचुएशन है वो देखकर शायद आपको और हमको देखकर तो यही लगता है कि अयोध्या में जिस तरीके से मोहित खान ने दुष्कर्म किया है, नवाब सिंह यादव का नाम सामने आया है, जावेद बेग का, अजीत प्रसाद जो कि अजीत प्रसाद के बेटे हैं भाई, उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, और अयोध्या में जीत कर जिस तरीके से अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, इस बार के उपचुनाव में ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या, मिल्कीपुर, हर जगह, हर सीट पर इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है भाई। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से सपा नेताओं पर हर दिन कोई ना कोई गंभीर आरोप लगता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।